हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किट्टू नीलम्स किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ केले का कोफ्ता। तो चलिए केले तोड़ते हैं। ये देखिए मैंने केले को तोड़ लिया है। आइए आपको बगान की सैर कराते हैं, इनसे मिलिए। ये हम लोग का फ्रेंड है जो बगान की देखभाल करता है। चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने 3 केले लिए हैं, उसको इस तरह से काटना है। अब इसे उबालना है। मैं गैस जला रही हूँ। कम से कम इसको 2 सीटी तक हमें उबालना है। 1 सीटी हो गया है, अब इसका ढक्कन खोल लेते हैं। ये देखिए केला बॉयल हो गया है। अब इसे निकाल करके ठंडा कर लेना है और छील लेना है। ये देखिए मैंने केले को छील लिया है, अब इसको इस तरह से मसलना है। ये देखिए मैंने सारे केले को मसल लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी मसाले। 1 चम्मच गरम मसाला, थोड़ी सी हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा धनिया पत्ता कटा हुआ। इसमें मैं बेसन ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच। अगर आप चाहे तो इसमें आप मैदा भी यूज कर सकते हैं या फिर कॉर्नफ्लोर, वो भी आप इसमें मिला सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर चुटकी भर। अब सारे को मिक्स करना है। इसमें मैं और थोड़ा सा बेसन डाल रही हूँ। एक बार में मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अब इसके छोटे छोटे कोफ्ते बनाना है इस तरह से। मैं जल्दी जल्दी कोफ्ते बना लेती हूँ, उसके बाद इसे फ्राई करना है। ये देखिए मैंने कोफ्ते रेडी कर लिया है, अब इसे फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए मैंने गैस जला लिया है और तेल डाला है। तेल गरम हो चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी कोफ्ते। इसका कलर हमें एकदम ब्राउन कलर चाहिए। ये कोफ्ते बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, अब मैं इसे निकाल देती हूँ। इसका कलर हमें बस इसी तरह का चाहिए था। अब इसका ग्रेवी बनाते हैं। तो मैंने 3 चम्मच तेल डाला है, उसमें मैं साबुत जीरा डाल रही हूँ और मैंने 1 प्याज का पेस्ट बना लिया था।
अब उसको भी मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। एक टमाटर उसका भी मैंने पेस्ट बना लिया है, उसको भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इसे चला लेना है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए, एक चम्मच धनिया पाउडर और एक चम्मच जीरा पाउडर। सबको मिक्स कर लेना है। इसको हमें धीरे धीरे भूनना है, जब तब तक भूनना है जब तक मसाले तेल छोड़ने ना लगे। अब मैं इसमें डालूंगी एक चम्मच बेसन। बेसन से ग्रेवी बहुत ही अच्छा आता है और टेस्ट भी बढ़ जाता है इसका। और थोड़ा सा कसूरी मेथी। देखिए मसाले भून गए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी एक चम्मच गरम मसाला पाउडर। आप चाहे तो इसमें खड़े गरम मसाले भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें पाउडर वाला गरम मसाला यूज किया है। ये देखिए मसाले एकदम अच्छी तरह से भून चुका है, तो मैं इसमें अब डालूंगी थोड़ा सा पानी। आप उतना ही पानी डालिएगा जितना आपको ग्रेवी चाहिए। अब मैं इसमें डालूंगी नमक स्वादानुसार। ग्रेवी उबल जाएगा तो इसमें मैं डाल दूंगी कोफ्ते। देखिए ग्रेवी उबल गया है, अब मैं इसमें डालूंगी कोफ्ते। बस इसे 2 मिनट इसमें पकाना है। ये देखिए 2 मिनट हो गया है। अब मैं गैस बंद करती हूँ। ये देखिए हमारे केले के कोफ्ते बनकर तैयार हो गया है और बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाता है। ये मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर से बताइएगा और घर में इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर आऊँगी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।